यूपी के गाजीपुर में सातवीं क्लास में पढ़ने वाली दलित छात्रा को बांधकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। दुल्हापुर के कंचनपुर गांव के तीन युवकों पर खेत में जिंदा जलाने का आरोप है। पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरठ में शिकायत लेकर पहुंची महिला एसएसपी ऑफिस के बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। आरोपी की दहेज प्रताड़ना केस में फरियाद लेकर पहुंचने पर महिला थाना प्रभारी ने उसे फटकार लगाई। पिछले एक साल से मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप है। यूपी के फैजाबाद में गुमनामी बाबा के तीन बक्से खोले गए, उनमें से करीब 300 सामान निकाले गए। कई चीजें निकली। सिगार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होने का दावा किया जा रहा है। पंजाब के पठानकोट में पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने तीन पिस्टल और चार जिंदा कारतूस के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पंजाब दौरे के दूसरे दिन अबोहर पहुंचे और एक रैली को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि अकाली दल को सत्ता में रहने का नैतिक हक नहीं है। केजरीवाल वहां पिछले साल मारे गए भीम टांग के परिजनों से मिले और नौकरी का वादा दिया।